अन्यायों कर से देखे नहीं जाए कि मजदूर हो चाहे किसान हो, ओकर हक मिलना चाहिए। यहाँ गांव में स्कूल नहीं, रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं रही सो जमाना में, मतलब हॉस्पिटल भी नहीं रही, गांव में नहावे तालाब भी नहीं रहा है, बहुत दूर ले पिएबा पानी नानी एक कोसली, तो खुद देखे है, वो अनुभव करे है, वो चले है, जो मजदूर चलते ना वो खुद चल के अनुभव करे है कि तकलीफ में कैसे इंसान काम करते, मेहनत करते, फिर भी ओकर सही ये हक नहीं मिली। अच्छा, मैंने सुना है कि दानी टोला में वो खदान मजदूर की हैसियत से काम करते थे, तभी आपसे उनका परिचय हुआ, तो उस शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, जब वो आपसे वो प्रेम करते थे और ये हुआ कि अब आप दोनों शादी करेंगे, वो क्या ऐसा क्षण था कि आप उनके निकट आई, करीब आई, उनको पसंद करने लगी, या न्योगी जी को ऐसा क्या लगा कि अब हम दोनों जीवन साथी बन सकते हैं? वो टाइम में वो एक मजदूर के हैसियत से वहाँ काम करी, और ये थोड़ा मतलब वहाँ के कोई नहीं जाने कि एक कोई बहुत बड़े नेता है या बहुत बड़े आदमी है, एक बुद्धिजीवी है, कोई नहीं जाने, साथ में रहा है फिर भी नहीं जाने। लेकिन जैसे अभी हम पांच आदमी बैठे हैं, पांच आदमी के बीच में कुछ ना कुछ चर्चा तो होना ही है कि काम के बारे या कुछ के बारे, तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे जनता में जागरूक करी, कभी पांच में, दस में, ऐसे तो सबके अभी पांच आदमी के अलग अलग गांव हैं, कोई गांव हैं अलग अलग, तो कभी एक और गांव चले गए, कभी एक और गांव चले गए, तो गांव में जाके भी उनका घर में रहना, खाना, गांव के परिस्थिति देखना, तो ऐसे करके ओकर परिचय बनी हर गांव में, एक साथ चल दी तो ओकर घर वाले, ओकर परिवार एक पहचान तो बन गई कि हाँ ये आदमी हमारे घर और पहले आ रही, ऐसे करके, तो ऐसे करके वो गांव मन में परिचय भी बनी और अपन छाप भी छोड़ा दी कि कुछ ऐसे करो, तुम्हारे गांव में होना चाहिए, ऐसे है, का है, कैसे धान लगाते हो, कैसे मट्टी खनते हो, कैसे लकड़ी काटते हो, खुद करे है, तो ऐसे करके तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई कोना नहीं बचे हैं, कोई कोना है, कोई भी कोना में जावे ना तो ओला याद जरूर करते, कोई ना कोई आदमी, अरे वो आदमी बहुत हमन साथ में रहें, खाना खाएं, यहाँ गएं, वो करें, ऐसे बताना चालू कर देते। आपने उनको पहली बार कब देखा था? दानी टोला में मोर माँ बाप तो मजदूर रही ना, तो आप भी उनके साथ मजदूरी करती थी? हाँ, मोर माँ बाप मजदूरी वहाँ मैन से रही, बीएचपी के बहुत आदमी काम करे, बहुत सारे गांव से भी काम करे भाई, ओकर आसपास जितना गांव है ना तेमन सब काम करे भाई, और मोर माँ बाप मन भी गांव रही से एक ठो दहान नाम के नज़दीक में, तो मोर जो बड़े पिताजी मन गांव में रहा है और मोर पिताजी है मैंस में रहा है, रोज आना जाना पड़ते करके, तो वो टाइम में ऐसे परिचय होत गीस आना जाना आना जाना, तो मैं भी काम करूँ ऐसे करके खदान में, तो न कोई कोई लगी से पता नहीं रही, वहाँ के मजदूर ला भी पता नहीं रही, फिर धीरे धीरे बाद में पता चली सब जन, और ज़्यादा पता चली कि वो मीसा जल नहीं, एक बार और मीसा जल बाद में हुई, एक बार और जेल हुई, ये हाँ दली राज में जब यह चली नहीं 77 में, तब वो नहीं मीसा जेल गिरी था, मीसा जेल से छूट के तब यहाँ गोलीकांड हो रही, तब वही टाइम ज़्यादा जानी कि ये बहुत बड़े नेता है, ये मैं इसके जो कर्मचारी रही से नहीं
फोर मैन माइनिंग मेट मैनेजर ओमन भी पता नहीं रही से एक मजदूर है कहीं किसे आए है इसे रही से। नहीं आपका तो दानी टोला में तो वो दानी टोला में हमरे मन घर रहाए और काम करी खाना पीना सब। तो शादी के लिए उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी दोस्ती हो गई अब एक ही जगह खाना है रहना है काम करना है तो दोस्ती हो गई शादी हो गई। लेकिन मोर पिताजी खिलाफ भी रही से इस शादी के क्यों खिलाफ थे आपके पिताजी? ओ अभी वो कर घर द्वार नहीं है वो कर कहाँ है माँ बाप कोई ये है नहीं ऐसे टाइप के कोई। लेकिन आप चाहती थी कि उससे शादी कर ले? हाँ तो पहली ओर से शादी के लिए उन्होंने आपके घर में बात की कि आपने अपने घर में बात किया? नहीं वो भी करी मैं भी करी। अच्छा मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था, चलिए बहुत एक अच्छा वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई, फिर आपने पति को धीरे धीरे कैसे जाना कि ये क्यों ऐसा करते हैं क्यों संगठन में जाते हैं? क्योंकि वक्त तो उनके पास परिवार के लिए बहुत कम रहता था, तो क्या आपको तब खराब नहीं लगता था कि हमारे परिवार के लिए वक्त ही नहीं है? क्या क्या था मामला? लगे जब बच्चा मन छोटे छोटे रही ना तब लगे कि मतलब बीमार है कुछ है तकलीफ में है तब वो है नहीं है घर में ऐसे जो परिस्थिति आए तब खराब लगे। मतलब रहती तो अभी हॉस्पिटल वो टाइम तो हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं रही से बहुत मुश्किल से मतलब अब बीएसपी हॉस्पिटल जाना पड़े या प्राइवेट में जाना पड़े तब लगे। और का है मैं भी एक मजदूर के लड़की हूँ तो मोला ज़्यादा हाई फाई ये चाहिए घर चाहिए बहुत परिवार चाहिए ये सब के है नहीं रही लालच। चलिए अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आता हूँ कि फिर आप दानी टोला से राजरा कब आई उनके साथ? ओ जब ना वही बता थू मीसा जेल से आई सो आके दिल्ली आई दिल्ली में हड़ताल चलत रही मजदूर मन को वो टाइम में एंटा केटा काका लाल झंडा ये दुनिया भर के अलग अलग टुकड़ा में रही नहीं मजदूर मन। तो जब तक हमें यह लगे रही ना तब तक तो कोई सब चुपचाप रही नहीं अब जैसे हटीस तो चिल्ला चिल्ली शुरू करी उनकर जो नेता रही से अलग अलग पार्टी रही से तो हम अलग बोनस मिलना चाहिए करके तो वही टाइम वो है जेल से छूट के अरे दिल्ली में ऐसे ऐसे पूरा मजदूर है भड़क गए हैं मतलब अपन नेता मन से भी यह करे थे ऐसे कर गए तो फिर यहाँ आके मजदूर मन यह में भाषण वासन दी मीटिंग में बोली कि ठीक है तुम्हार बोनस तुम्हार नेता नेता मैं दिलाऊँ लेकिन सब लड़ना पड़ी बिना लड़े नहीं मिले ऐसे करके तो हाँ लड़ेंगे ऐसे करके सब पार्टी के अलग अलग पार्टी के एक हो गए बाद में फिर अच्छा मतलब यह हड़ताल चली इतना बोनस मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए करके तो ज़्यादा दिन नहीं हो रही मुश्किल से एक महीना हो रही सोही फिर यहाँ अरे वो कहाँ से वो नियोगी आ गया अब उसको पकड़ो हटाओ टाइम में झुमुक लाल भेड़िया बालोत के विधायक रही से क्षेत्र डोंडी लोहारा के क्षेत्र के और वो का सेठ का है एक ठो यहाँ के मनोहर सेठ का सेठ नेमी चंद जैन का है वो बड़े बड़े ठेकेदार रही नो मन तो वो मन अब तो मुश्किल में हो गए ऐसे करके फिर एक ठो मजदूर ऊपर यह करी अरे ये कहाँ से आ गए इसको उठाओ भगाओ मारो ये गोली चलाओ बम फोड़ो तो भाग जाही संगठन इनकर जो एकता बने थे वो टूट जाही बिखर जाही और अभी हमें रोकथाम नहीं करबो तो इनकर संगठन मजबूत हो जाही ऐसे करके
फिर वही 77 में जो गोलीकांड करी नहीं ये ठेकेदार मन और वो झुमुक लाल भेड़िया के निर्देश में दुर्ग जिला रही दुर्ग के कलेक्टर ला निर्देश दिन किए मला। तो यहाँ वो जो 11-12 जन मरे ही ना वही टाइम के। अच्छा ये एला पहली पकड़ के लेगी और मजदूर मतलब भागो हटो नहीं तो गोली चल जाए ऐसे करके रातों रात ले गए। तो मजदूर मन वो टाइम एकदम जोश में रहा है। तो कहाँ मन नेता लेगा था चढ़ के भागे। तो वो टाइम में मैं दानी टोला में रही हूँ। जब यहाँ गोली चली से ना तो मैं दानी टोला में रही हूँ। दिन में गोली चली से और रात में तो दिन में गोली चली ना तो मोर पिताजी इनके आई रही थी वो अपन आँखी से देखे हूँ कहा है मतलब गिनती गिने का थे 1 2 3 भाग जाओ करके गिनती गिने का थे। एक ठो माइक लगा के वो शहीद मूर्ति है नहीं रोड वो तरफ पूरा पुलिस फोर्स रहा है और यापी से तेकर सामने मैदान में पूरा मजदूर रहा है लड़की लड़का एक साथ। तो भग जाओ 1 2 ऐसे गिनती गिने धड़ाधड़ मारे गए सब ऐसे खड़े रह गए थे मतलब भागे नहीं कथी उनका आँखी के सामने में गोली चली और खड़े रहा मार बेत मार हमारे नेता उठा के ले गए ऐसे करके। तो वो टाइम ओला जेल ले गई आगे डा गोली चली और आधा बीच जाके जंगल में मतलब एला भी बोले कथे अभी भाग जा गाड़ी से भाग जा तो तुमन पकड़ के लेगा तो मैं कबर भागूँ करके नहीं भागे हूँ कहा मार देती एनकाउंटर कर देती तो भाग जा ऐसे कहीं गाड़ी रोके कथी। अच्छा एक बात बताइए कि फिर संघर्ष चालू हुआ बहुत सारी मांगे मजदूरों की मांगी बांधी गई संगठन लगातार मजबूत होता गया फिर एक रोज उनकी हत्या हो गई। तो आपको कुछ उन्होंने कभी बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है या शंका जाहिर की थी कुछ उन्होंने कभी? ज्यादा कुछ नहीं बता रही फिर भी थोड़ा मतलब बता रही थी कि ओकर जो भिलाई के जो मांग रही से वो बहुत चिंता रही से बोला वो गेरी दिल्ली से भोपाल तो पटवा सरकार रही मतलब पटवा सरकार से मिल के मतलब मांग के हल निकाले बा तो पटवा सरकार नहीं मिली मतलब मिले टाइम ही नहीं दीस और ऐसे और दल्ली ऐसे दल्ली आके फिर भिलाई जाना है करके वह चल दीस 1 2 दिन में तभी बताए वो बहुत चिंता मरीज भिलाई के मामला लेके और एक ठो कैसेट बनाए रही इसनी वो कोर्ट में जमा हुई एक ठो छोटे से। तो इसने बैठ के घर में और लड़का मन खेलत रही नहीं और आगु पीछू और वो टेप में एक ठो स्कूल में एक ठो गाना गवाते नहीं तो गा के तो मैं भी वो टेप में है मतलब एक ठो गवाही टाइप के फिर भी आजकल तो वो सब टेप के है माने नहीं। टेप में क्या बोला था कुछ याद है आपको जो उन्होंने टेप में बोला था? ये उद्योगपति मन के नाम ले ही ये मन साजिश करे थे मतलब वो मूलचंद शाह नवीन शाह काका शाह नहीं ये सब के नाम ले ही वो कुछ दिन पहले मतलब ऐसने सितंबर है शायद सितंबर अक्टूबर है मतलब जिला बदल के केस लगा दी मतलब पूरा तरीका से सरकारी प्रशासन उद्योगपति ये सब के मिली भगत रही। अच्छा ये केस हो गया न्यायालय भी चला गया और जिनको सजा मिलनी थी एक को फांसी हुई जो बाद में उम्र कैद में बदल गई बाकी सब बरी हो गए। तो
आपको लगता कि क्या ये ठीक हुआ है? नहीं, जो अतना यह करे रही, अतना बड़ा संगठन रही, तो एक ठो बहुत बड़े केस रही से है महत्वपूर्ण मजदूर हक हक के, कोई भी जगह के मजदूर हो, जेकर नेताला हत्या करे थे, अधिकार के बदला वोला गोली दे थे, रोटी दे कहा थे तो वोला सीधा गोली मारा थी, ये बात रही सी है ना। तो यह है पूरा दुनिया के मजदूर के एक हक के बात रही। आज जो कोई भी ते काकरो पीछे रोटी मांगेल जावे तो तोला डंडा देखा ही, ये तो गुना है। तो ऐसने हुई वो मजदूर के हक तो मांगा रही कि मतलब थोड़ा सुख सुविधा दे, थोड़ा रोजी रोटी दे, दिन रात मेहनत करते करके वही तो मांग रही सी है मजदूर की। तो वो मन एक साजिश करी सरे भेलई में आके जमावड़ा करा थे, जैसे दल्ली राज रल बने, तो ये बहुत प्लानिंग के साथ होला, ये साजिश के साथ हो मारे गए हैं। अभी भी अफसोस होते, दुख होते, हमले तो होते, कोई होए ना होए हमले होते है। जिला लाठी पड़ते ना वोला दरक पता चलते, देखने वाला नहीं पता चले, हमले पता चलते कि कितना बड़े संगठन कति गाचा। आज जो भी बलिदान दे हैं, शहीद हुए हैं संगठन में, ले मारो ऐसे करके पुलिस से टकराए हैं उकर का है, जेकर गीस ओकर गीस, तो हमले तो होते दुख, आज भी होते, जब याद करथन तो आंसू निकलते है ना, कार ही सब का हो गई ऐसे करके। गांव-गांव संगठन वो मजदूरेज के लिए थोड़े बने रही, वो सोचे किसान के लिए भी सोचे। गांव में वो जनकलाल ठाकुर है ना, ओला सिर्फ ते विधायक बन के रहा है, ये सोच के ओला विधायक नहीं लड़े, वो खुद भी लड़ सकत रही, ओकर का ज्ञान रही, ताकत रही और जीते भी रहती, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहे। एक बंधुआ बन के मैं एक जगह नहीं काम कर सकूं, मोर तो पूरा दुनिया है, जहाँ भी जाके मैं झंडा उठा सकता हूँ, मजदूर के हक के लिए लड़ सकता हूँ। तो ओला जो विधायक बने ही क्षेत्र में काम भी करो, संगठन भी बनाओ। आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हर कोई जानते गांव में, लेकिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के एक गांव में एकता रहना चाहिए है। ओला दो बार विधायक बने हैं, वो खुद प्रचार करे और गांव गोढ़ा सब, तब ओला बोले ते दल्ली मत रह, ते गांव में रह, गांव किसान मन से बैठ के रहा, उनकर से का समस्या है, का तकलीफ है, का जरूरत है, वहाँ रह गांव में रह, वो मन खाते तू खा, हर गांव में ये गांव से वो गांव, वो गांव से गांव, वो गांव बैठवे विधायक आगे कही के पांच आदमी बैठी तोर सन। तो आज जनकलाल ठाकुर यदि वो नियोगिक बात मान के गांव में रह रहतीस, तो आज एक कांग्रेस के रहतीस न भाजपा के रहतीस, सिर्फ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा लाल हरा के रहतीस हर गांव में। ऐसे बनाना रही, बुद्धि होना, गाड़ी रहीस, हेल्पर रहीस, मजदूर रहीस, होकर पीछे जाएगा, चलो ये गांव में ये समस्या है, हमला इसे करना है, तो का यह मजदूर भी जाके वो कल सहमत देती, मदद करती, लेकिन और ही नहीं, खाली दल्ली ही है वहाँ। एक दिन जाते गांव में और गांव वाले मन कहाँ है विधायक, कहाँ है विधायक, खोजा थे उनका कहाँ है, वो दौड़ा गए है भोपाल ये दे। तो ऐसे वो बनाना चाहत रही, इसलिए वो लोग विधायक बने। तो ये गांव से वो गांव, वो गांव से जहाँ तो क्षेत्र है ततिक लगते कर, जब बड़े कार्यक्रम है गांव में, बड़े यह है मुद्दा है, कोई समस्या है, नियोगिल बुला अदी हूँ, ओकर विचार, ओकर सोच, ओकर रास्ता चले रहे,
वो जिंदा रही तब की जब वो विधायक बने। विधायक इसलिए बने कि लोगों के बीच में जाए के एक ठो बैठे के किसान मन से का हो गए कैसे है ये गांव वो गांव जितना तो क्षेत्र पर थे ओतिक लत ते मुट्ठी में ला सकत रहे। लड़ के भीड़ के उनकर समस्या हल करके तो वो नहीं कर पाई। आज वोट मांगे जाते कोई वोट नहीं दे जानते हैं एक आदमी मन न्यू गिल जानते हैं जनक ला जानते हैं ऐसे। लेकिन जो गांव में रहना रही ना हर गांव में एक ये मोहल्ला ये एरिया मजदूर एरिया है ये पूरा दली राज रख पुलिस कोई घटना होती तो आज डरी मार डर ही कही की इतना दबदबा रही दली राजरा में। पहले वो ऑफिस में फोन करी हमन ऐसे ऐसे रिपोर्ट आए मोहल्ला से तो हमन जा सकथन के नहीं सकन दुर्घटना हो कोई फांसी हो गए कोई जल के मर गए तो ये एरिया में पुलिस वाले आ ही नहीं सके डर के मारे वापिस ले इजाजत ले इन्हें वापिस ले। और जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होते नहीं मोहल्ला हो गए पड़ोसी से हो गए कोई टूरा से हो गए तो वो फैसला इन्हें वापिस में हुए वो एक ठो जनता अदालत रही मोहल्ला का आदमी मन इन्हें वापिस में जाए ऐसे हो गए ये मार दी से ऐसे बग दी से ऐसे करके ऐ दारू नशा पिए तो मन ऑफिस में जाए थाना नहीं जाए। जब बड़े दुर्घटना हो जाती ना कोई कुआं मर गए कोई फांसी हो गई कोई का कारण से जहर खाली जल गए वह ऑफिस में पूछे इजाजत ले तब बोल पुलिस वाले आग चेक करे ये रही से दली राजरा में पुलिस वाले भी नहीं आए कोई रिपोर्ट करेल जाती थी।